कौन हैं आईपीएस मनोज कुमार शर्मा, जिनकी जर्नी पर बनी 12वीं फेल फिल्म। आइए जानें आईपीएस मनोज कुमार शर्मा। आखिर 12वीं फेल होने के बावजूद भी आईपीएस मनोज कुमार अफसर कैसे बने, इस वीडियो में जानें आईपीएस मनोज कुमार के बारे में, जिन पर 12वीं फेल फिल्म बनी है। विक्रांत मैसी की 12वीं फेल फिल्म को इन दिनों हर कोई पसंद कर रहा है। यह फिल्म एक हकीकत की कहानी पर बनाई गई है। विक्रांत ने फिल्म में आईपीएस मनोज कुमार का किरदार निभाया है, जिन पर फिल्म भी बनाई जा चुकी है। आइए जानते हैं आईपीएस मनोज कुमार की फर्श से अर्श तक की जर्नी। आईपीएस मनोज कुमार मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से हैं। कक्षा 9 और कक्षा 10 में तृतीय श्रेणी से पास करने के बाद वह कक्षा 12वीं में हिंदी को छोड़कर सभी विषयों में फेल हो गए थे। आर्थिक स्थिति की वजह से आईपीएस मनोज कुमार शर्मा ने अलग अलग छोटे मोटे काम किए थे, फिर चाहे टेम्पो चलाना हो या भिखारियों के साथ सोना हो। इतना ही नहीं, एक समय पर वो कुत्तों को घुमाने का भी काम कर चुके हैं। पुस्तकालय में काम करने के दौरान उन्होंने गोर्की और अब्राहम लिंकन जैसे कई प्रसिद्ध लेखकों की कहानियां पढ़ने का मौका मिला। इसके बाद उन्हें मोटिवेशन मिली और उन्होंने कुछ बड़ा करने का फैसला लिया। आईपीएस मनोज कुमार शर्मा पहले के अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाए थे। उन्होंने 3 बार फेलियर का सामना किया और फिर येन्सोन 21 रैंक के साथ यूपीएससी क्लियर किया। स्ट्रगल के दिनों में आईपीएस मनोज कुमार शर्मा को उनकी वाइफ ने बहुत मदद की। आईपीएस मनोज कुमार की वाइफ का नाम श्रद्धा जोशी है, जो आईआरएस अधिकारी हैं।